Hey guys, welcome back. If you're new here, I am Meshu. Welcome to my channel. Today I'm going to share this very simple, elegant Kohal eye makeup look with you. So, if you're ready, let's jump straight how I got this look.

ऑलमोस्ट मैं जैगलन हिल पैलेट में, में से ही कर रही हूँ इसमें से मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया इसको क्रीज पे लगाया और बहुत अच्छे से उसको मैंने डिफ़ाइन कर लिया और अब उसके बाद मैंने एक और ब्राउन शेड लिया जो कि पहले वाले शेड से डार्कर है और उसको मैं अपनी पूरी आईलिट के ऊपर जो है वो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश इसको मैं अच्छे से इस पर अप्लाई करूँगी बट इस पर मैंने कोई भी स्पेसिफिकली कोई भी जो है अपनी आइज़ को कहीं से भी मैंने ओवर हाईलाइट नहीं करना बल्कि मैंने जो भी स्पाई शेडर लगाया वो सारा मर्च करना है लैक्मी का मैंने जो है काजल लिया है उसको अपनी आई लिट के ऊपर मैंने जो हैज़ अ लाइनर लगा के और उसके बाद मैं जैकलन हिल की पैलेट से मैट जो एक शेड है ब्लैक का जेट ब्लैक उसको लेकर विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैट शेड ब्रश इसको मैं बस मर्च करूँगी और बहुत अच्छे से मैं इसको मच करूँगी और उसके बाद अगेन मैं इसको इस ब्रश के साथ जो कि मनीसो का एक और ब्रश है और ये भी बहुत अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश है इससे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अगेन जो मैंने ब्राउन शेड दिया था अपनी आईलिड पे जो मैंने पहले अप्लाई किया था उसको मैं अब अगेन दोबारा से इसको अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरा ब्लैक अब मैंने जयशा जो लगाया था उसको मैं थोड़ा सा जो है उस पर मर्च कर सकूँ उसके बाद मैंने यहाँ पे जो अपनी क्रीज पे जो शेड लिया था उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी यहाँ पे मैंने लिया है मेबिलीन का आ, ये कलोसल काजल और इसको मैं जो है अपनी आईज पे जो है एज आज काजल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैंने लिया है मस्कारा और इसके काफ़ी ज़्यादा कोर्स रिक्वायर्ड हैं और इसको जो है मैं अच्छे से अपनी लैशेस पे अप्लाई करूँगी ताकि फाइव सिक्स कोट के साथ जो आई लैशज़ उसका वॉल्यूम अच्छे से क्रिएट हो जाए और उसके बाद यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन करने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आई लैशज़ और ये मैं की आई लैशेज़ हैं एंड हेयर इज़ दिस लुक आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आई लैशेज़ उसके बाद में जितना भी फॉल आउट हुआ है उसको अपने फेस पे अच्छे से जो है वो रिमूव करूँगी और ताकि एक अच्छा सा कैनवस क्रिएट हो जाए अब मैं यहाँ पर जो है आ, हाई लाइट कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स को और अपनी जो है ब्रॉबोन को मैं इससे हाईलाइट करूँगी बहुत अच्छे से एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये फैमिलिश का अंडर आई कॉफ़ी सिरम और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है और इसको ज़रूर आप यूज़ कीजिए मेरी तरफ़ से रिकमेंडेड है बहुत ज़बरदस्त है और इसके बाद मैं यहाँ पे ताज महली का ये मिल्की सिरम यूज़ कर रही हूँ ये कॉम्बिनेशन और आ, जो है ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत बेस्ट है ड्राई स्किन वालों के लिए बस सो सौ है लेकिन अब क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर किया था तो डेफिनेटली मैं इसको अप्लाई करके मज़ीद आपको बताऊँगी कि इसका फर्दर आगे समर्स में कैसा रिज़ल्ट रहता है और उसके बाद मैं यहाँ पे अब अगेन फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के लिए ओ टू ओ का गोल्ड एलेक्सर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी और इसके बाद बहुत अच्छा सा कैनवस अब आपकी जो है फाउंडेशन के लिए क्रिएट हो जाएगा सो so बेसिकली बहुत अच्छी मॉइस्चराइजेशन अगर आपकी हुई हो तो ही आपकी जो फाउंडेशन है वो अच्छे से आपके स्किन के ऊपर जो है वो एक अच्छा सा आपके लिए कैनवस क्रिएट हो जाता है और जो आपकी फ़ाउंडेशन है वो अच्छे से आपके फेस पर नज़र आती है यहाँ पर मैं ब्यूटी नैकेट का प्राइमर यूज़ करी हूँ मुझे ये प्राइमर बहुत पसंद है एक टॉमिकल प्राइमर है नॉट ओनली दिस बट आल्सो बहुत अच्छा सा कैनवास आपके फेस पे क्रिएट करता है इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं मैं इनका फ़र्दर रिव्यू भी करती रहूँगी आपके साथ उसके बाद मैं यहाँ पर न्यूट्रलाइज़र यूज़ करी हूँ गर्ल का और यहाँ पर मैं आज यूज़ करी हूँ इनका पीची करेक्टर और उसको मैं अच्छे से अपने जो है वो अराउंड द माउथ एरिया और अपने जो है वो अंडर आइज़ पे जो है इसको एप्लीकेशन करूँगी इसकी ताकि जितने भी डार्क सर्कल्स हैं या ब्लेमिशेस हैं वो अच्छे से हाइड हो जाएं एंड अब उसके बाद मैं इसको अच्छे से पाउडर की हेल्प से सेट से कर लूँगी और पाउडर मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं आज यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का लूज पाउडर और इसको अच्छे से मैं इससे सेट कर लूँगी अपने अपने अंडर आई एरिया पे इसको सेट कर लूँगी और माउथ जहाँ जहाँ पर भी मैंने जो है करेक्टर यूज़ किया उसके बाद मैं यहाँ पे टू फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और शेफा की फाउंडेशन है शेड आइवरी है इसका एंड द अदर वन इज़ ग्लैम गर्ल फ़ोटो फिनिश फाउंडेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने किया बट हाफ साइड पे जो है जब मैंने एप्लीकेशन की तो मुझे इसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ग्लैम गर्ल की फ़ाउंडेशन का सो मैंने इसको स्किप करके और मैंने जो है शेफ़र की ही फाउंडेशन के साथ अपने पूरे फेस पे दोबारा से एप्लीकेशन करके और अपने फेस को जो है वो पाउडर से और मेकअप सेटिंग स्प्रे से, से सेट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर अब यूज़ करी हूँ ये कंट्रोर और कंट्रोलिंग के लिए जो मैंने यूज़ किया पैलेट uh, आज वो है क्रिस्टीन का ही पैलेट और जो कि पैलेट मैंने यूज़ की है वो ज़ीरो थ्री है और इससे मैं अपने फेस पे अच्छे से जो है वो अप्लाई अप्लाई करूँगी इसको अपने नोज़ पे और इसके अलावा अपने फॉरहेड पे एंड uh, इसको अपने चिन पे अप्लाई करूँगी और बहुत अच्छे से फिर इसके बाद हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे फॉर ब्लशर आई एम यूजिंग माई ब्लश पैलेट और इसमें से मैं यहाँ पे लूँगी कोरल और पिंक शेड उसको मिक्स करूँगी और बहुत अच्छे से अपने चीक्स पे जो है वो लगाऊंगी और इसको जो है थोड़ा सा लिफ्ट देने के लिए अगेन इसको मैं जो है अपर डायरेक्शन में अप्लाई करूँगी क्रिस्टेन का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है माई फेवरेट एंड वेरी पिगमेंटेड हाईलाइटर और इसको मैं अपने फेस पे जो मेरे हाइस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पे इसको लगा के मैं इसको हाईलाइट करूँगी बहुत अच्छे से For lipstick, I'm using Pink and Coral Mix Liquid Matte Lipstick from Sweet Face. And here is the finished look. I hope you enjoyed this tutorial. Please let me know in comment section if you enjoyed it. Do not forget to like, share and subscribe. I love you guys so much and I will see you soon with the brand new one. Bye guys.